Welcome to the Smart Learning Academy. My name is Viren Singh and in this video tutorial I am going to discuss about the duplicate dominant epistasis. ठीक है, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ. इससे पहले मैं ऑलरेडी जीन इंट्रैक्शंस और डुप्लीकेट के बारे में जीन इंट्रैक्शंस के बेसिक्स, कैसे रेशियो कैलकुलेट करना है, कैसे डोमिनेंट एपिस्टेसिस कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ. उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो. ठीक है, तो बात करता हूँ मैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मॉडिफिकेशन, जिसको बोलते हैं डुप्लीकेट डोमिनेंट. इसके नाम में ही क्या है, डुप्लीकेसी. नाम में क्या है, डुप्लीकेसी. अब डुप्लीकेसी का मतलब क्या हुआ कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस है क्या ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, मतलब किसी भी जीन, जो भी जीन होगा उस जीन का डोमिनेंट फॉर्म जो होगा शो करेगा इफेक्ट. कैपिटल ए का जो डोमिनेंट फॉर्म होगा, जो ए जीन का डोमिनेंट फॉर्म होगा कैपिटल ए, और बी जीन का जो डोमिनेंट फॉर्म होगा बी. अब डुप्लीकेसी, जैसे कि आप जुड़वा मूवी देखे होंगे और या कोई भी मूवी देखते हैं जिसमें डबल या जुड़वा टाइप का कैरेक्टर होता है, डुप्लीकेट टाइप का कैरेक्टर होता है, उसमें क्या सीन होता है कि दोनों सेम कैरेक्टर शो करते हैं, दोनों सेम की तरह अपीयर होते हैं. तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही चीज़ होती है कि ए एंड बी की बात करूँ मैं, ए की बात करता हूँ तो ए जो कैरेक्टर शो करेगा, मान लीजिए कि ए जो शो कर रहा है रेड, वही कैरेक्टर शो करेगा आपका क्या, दैट इज़ द बी. यानी दोनों जीन, द डोमिनेंट एलील ऑफ द बोथ जीन. इसमें क्या होता है, डोमिनेंट एलील, ठीक है, डोमिनेंट एलील ऑफ द बोथ जीन, डोमिनेंट एलील ऑफ द बोथ जीन, दोनों जीन के डोमिनेंट एलील जो होते हैं सो सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर, सो सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर, सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर को शो करते हैं. यानी कि ये क्या हो गया, चाहे कैपिटल ए हो या कैपिटल बी हो, यहाँ पे ये मास्क क्या करता है, यहाँ पे मास्क जो करते हैं वो रिसेसिव को करते हैं, दोनों के दोनों डोमिनेंट जो होते हैं सेम कैरेक्टर्स को शो करते हैं और रिसेसिव को मास्क करेंगे. ठीक है, जैसा कि रेशियो के लिए मैंने आपको बता चुका था कि पहला जो डाईहाइब्रिड का रेशियो होता है 9:3:3:1 होता है. जब आप डोमिनेंट में जाते हैं तो एक बार मूव करेंगे, दैट इज 12:3:1, और जब डुप्लीकेट में जाते हैं तो एक बार और मूव करिए लेफ्ट टू राइट, दैट इज 15:1. ये रेशियो होता है डुप्लीकेट डोमिनेंट का, डुप्लीकेट डोमिनेंट का ये रेशियो होता है. ठीक है, चलिए बात करते हैं व्हाट इज द पाथवे. जैसा कि आपको बताया था मैं कि वह इम्पॉर्टेंट ट्रिक या कोड, या आप कह सकते हैं कि ट्रिक जो बताया था कि डोमिनेंट जो एपिस्टेसिस होते हैं, जितने भी, चाहे वो डुप्लीकेट डोमिनेंट हो या डोमिनेंट हो, डोमिनेंट अगर उसमें है एपिस्टेसिस में, आइदर डुप्लीकेट और नॉर्मल डोमिनेंट, ठीक है, अगर डुप्लीकेट है तो यूनिडायरेक्शनल पाथवे होगा, यूनिस्टेप पाथवे होगा, यही बताया था, यूनिस्टेप पाथवे होगा, नो इंटरमीडिएट. मतलब पाथवे जो होगा, एक्स जो होगा कन्वर्ट होगा किस में, वाई में कन्वर्ट होगा. मान लीजिए एक्स जो है वाइट कलर है और वाई इज अ पर्पल कलर, y जो है पर्पल कलर है. अब x से y कन्वर्ट करने में जो एंजाइम लगेगा E1 लगेगा, किससे सिंथेसाइज होगा, ये कैपिटल A कैपिटल A या कैपिटल A स्मॉल A से, इसी से सिंथेसाइज होगा, कैपिटल A कैपिटल E या कैपिटल A स्मॉल A से सिंथेसाइज होगा. नाउ अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या हो जाएगा कि ये जो कैपिटल A स्मॉल A से सिंथेसाइज होगा और ये प्रोडक्ट जो है x से y का बनना, ये जो x से y में कन्वर्ट हो रहा है ये एंजाइम E के द्वारा होता है, लेकिन अगर एंजाइम E नहीं रहेगा तो ये आपके E2 के द्वारा भी कन्वर्ट हो जाएगा. E2, अब E2 किससे सिंथेसाइज होगा, कैपिटल B या कैपिटल B स्मॉल B से, इससे सिंथेसाइज होगा आपका E2. E1 हो चाहे E2 हो, इन दोनों से ही x जो है वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. यही आपको बताया गया था अभी कुछ देर पहले कि आइदर A हो या आइदर B हो, अगर A जीन एक्टिव है, A जीन जब एक्टिव होगा तो भी पर्पल कलर बनेगा, और B जीन अगर एक्टिव है तो भी पर्पल कलर का शो करेगा. यानी दोनों डोमिनेंट जीन जो हैं वो सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस. दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज द डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, ये रहा पाथवे आपके डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस का. और ए जीन जब एक्टिव होता है तो भी पर्पल है, बी जीन जब एक्टिव होता है तो भी पर्पल है. अब रेशियो की बात करते हैं या कैसे रेशियो की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, तो
नाउ टॉकिंग अबाउट द रेशियो, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो आपको बताया था फोर बॉक्स रूल होता है, फोर बॉक्स से थ्री बॉक्स, थ्री बॉक्स से अब टू बॉक्स रूल चलेंगे। कहाँ जाएगा ये? टू बॉक्स रूल, टू बॉक्स रूल पे चलेंगे। व्हाट इज टू बॉक्स रूल? देखिएगा, मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए तीन बार लिखा, फिर हेट्रो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, तीन बार वर्टिकल लिखा, फिर स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, इस तरीके से आपने लिखा। फिर बी को लिखेंगे इसी तरीके से, कैपिटल बी कैपिटल बी, बी जो होगा हॉरिजॉन्टल चलेगा, बी जो चलेगा वो हॉरिजॉन्टल चलेगा, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी एंड लास्ट वन इज स्मॉल बी हॉरिजॉन्टल आपने लिख लिया। यही रेशियो मैंने बताया था, रेशियो क्या था, 1:2:1 2:4:2 एंड 1:2:1, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। ये मैंने बताया था, देखिएगा ये एक बॉक्स ये था, वन बॉक्स ए था, ये जो इसके पास देखिए, और दूसरा बॉक्स ए था, ऑलरेडी इनको फ्यूज कर चुके से देखिए, इन सबके पास कैपिटल ए एलील है, कैपिटल ए एलील है, नाइन ये होता है, थ्री ये होता है, और ये जो बॉक्स होता है थ्री ये होता है, और दिस वन इज वन। तो आप एक बात बताइए, मैंने बताया कि कैपिटल ए हो या और कैपिटल ए हो या कैपिटल बी हो, सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करेंगे, ये दोनों सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करेंगे, यानी कि कैपिटल ए हो कैपिटल ए या कैपिटल बी हो, ये सब मर्ज कर देंगे, यानी नाइन इससे मर्ज हो जाएगा, ये इससे मर्ज हो जाएगा, टोटल मिलकर क्या रेशियो बन जाएगा, दैट इज़ द टू बॉक्स रूल, ये सारे मर्ज हो जाएंगे इसमें, जब मर्ज हो जाएंगे तो रेशियो आएगा 15:1, ये सारा मर्ज हो जाएगा इस केस में, इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा किस केस की बात है, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस, दिस इज द केस फॉर द डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस में आपको जो नॉर्मली क्या होता है, डुप्लीकेसी शो कर जाती है, डोमिनेंट एलील ऑफ द बोथ जीन, डोमिनेंट एलील ऑफ द बोथ जीन शोज द सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर इज नोन एज द डुप्लीकेट डोमिनेंट, द रेशियो विल बी द 15:1 एंड द पाथवे इज लाइक दैट कि एक्स इज कन्वर्टेड इनटू द वाई, दैट इज कलरलेस प्रोडक्ट, कलरलेस सब्सट्रेट जो होता है कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, आइदर बाय एंजाइम ए और बाय एंजाइम E1 और बाय एंजाइम E2, E1 इज सिंथेसाइज बाय द कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए एंड E2 इज सिंथेसाइज बाय द कैपिटल बी और कैपिटल बी इज स्मॉल बी। सो दीज आर द डुप्लीकेसी केस एंड दिस केस इज नोन एज द डुप्लीकेट डोमिनेंट। होप कि आपको समझ में आया होगा कि वॉट इज द डुप्लीकेट डोमिनेंट। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, दैट इज द रिसेसिव एपिस्टेसिस और ऑल्सो नोन एज द रिसेस सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन। सो गाइस, आप मैं अनअकैडमी पे लाइव भी पढ़ाता हूँ, आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? अनअकैडमी पे जस्ट मेरा नाम सर्च करें, वीरेंद्र सिंह, आप मेरा नाम जब सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड माय प्रोफाइल, आप मेरे प्रोफाइल को फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद आपको क्या होगा, वीडियोस देखिए फ्री लेसन के फॉर्म में, जब प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा लाइव मिनट्स लेने वाला मैं एजुकेटर हूँ अनअकैडमी प्रोफाइल पे, तो आप मुझसे प्लस पे भी पढ़ सकते हैं। और प्लस की बात करें, यू जस्ट नीड अ मोबाइल और लैपटॉप विथ एन इंटरनेट कनेक्शन, वेरी इफेक्टिव कोर्सेज आर देयर, ऑल टॉप एजुकेटर्स रिकॉर्डिंग्स सब लेक्चर्स के अवेलेबल होते हैं, अगर आप कुछ लेक्चर मिस कर जाते हैं तो भी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। वीकली क्विजेज होता है, डाउट सेशंस होते हैं, एवरी फोर्थ सेशन इज अ डाउट सेशंस, पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं, वेरी लो बजट होता है, मोर देन इनफ टू क्लियर द एग्जामिनेशन एंड रिवाइज होल सब्जेक्ट्स इन वन आवर ओनली, वो तरीका आपको बताया जाएगा और स्ट्रेटजीज भी आपको बताए जाएंगे। तो सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस को एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द रेफरल कोड, दैट इज द VIRN, दैट विल गिव यू द 10% डिस्काउंट। विल सी द सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन और द रिसेसिव एपिस्टेसिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।